तो वहीं निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और सभी 25 सीटों पर 4 जून को होने वाले काउंटिंग को लेकर मतगणना स्थल पर संसाधनों की व्यवस्था पर संतोष जताया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कहां कितने राउंड में काउंटिंग होगी? दौसा में 21, चौंक सवाईमाधोपुर में 20, अजमेर में 21, नागौर में 22 और पाली में 23 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। जोधपुर में 24, बाड़मेर में 23, जालौर में 25, उदयपुर में 23 और बांसवाड़ा में 27 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 23, राजसमंद में 28, भीलवाड़ा में 23, कोटा में 24 और झालावाड़ 12 में 26 राउंड में मतगणना की जाएगी।